हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? तो आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम आलू और फूलगोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं, जो बिना प्याज लहसुन का है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर तेल लिए हैं, और ये फूलगोभी को अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। शेयर ज़रूर कीजिएगा पूजा में और इस श्राद्ध में। अभी टाइम चल रहा है तो इसे बिना प्याज लहसुन का ही बनता है, तो इसलिए हम आप सबके लिए वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो यह आलू और फूलगोभी लिए, शिमला मिर्च डाल दिए और गाजर डाले हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप तेल ज़्यादा लेना चाहते हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। इसे आप फूलगोभी को छान भी सकते हैं, हम यहाँ पर भूंजे हैं। आलू को उबाल कर भी बना सकते हैं, हम डायरेक्ट बनाए हैं। आलू नहीं उबाले हैं और ना ही फूलगोभी छानने हैं, बस तेल में डाले हैं और उसको अच्छी तरह से भून लिए हैं। यहाँ मसाला देख लीजिए क्या क्या डलाता है। तो यहाँ हरी मिर्च है, टमाटर है, हल्दी है, लाल मिर्च है, शिमला मिर्च, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर और गोलकी जीरा पाउडर मिक्स है, और गरम मसाला है। और मीट मसाला नहीं डालते हैं, हींग है। यहाँ पर देखिए गरम मसाला है, और नमक डालकर पानी डालना है इसमें, और अच्छी तरह से मिला कर मसाला को धीमी आंच पर भूनना है, ताकि तेल अच्छी मतलब तेल में छला जाए और अच्छी तरह से मसाला भूंजा जाए। तेज आंच में मसाला को नहीं भूनना है, नहीं तो अच्छा से पकता नहीं है। इसे आपको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं। अगर कुकर में बनाना हो तो एक सीटी लगने तक ही बनाना है, दोबारा नहीं सीटी लगाना है, नहीं तो फूलगोभी ज़्यादा गल जाता है। यहाँ पर देखिए जितना आपको पानी का चाहिए ग्रेवी उतना डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से बिना प्याज लहसुन का सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर कुकर में डाल दिए, एक सीटी होगा तो हम उतार देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।